ये दीवार ढही किस तरीके से, ये तस्वीरें, एक बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन वो एक बड़ा हादसा टल गया। राजस्थान के नागौर में पिछले कई दिनों से तेज बारिश हो रही है। नागौर के अलावा डिडवाना और मौलासर इलाके में भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा है जिससे ट्रैफिक की रफ्तार पर असर दिखाई दे रहा है। तो राजस्थान के नागौर की तस्वीरें जहां पर बारिश हो रही है जिसके कारण स्थिति जो है वो आप देख पा रहे होंगे, कई जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो धीमी हुई है और जैम जैसे हालात भी बने हैं। तो राजस्थान की तस्वीरें, भारी बारिश वहां पर भी हो रही है और इसमें सबसे ज़्यादा असर यातायात पर ही पड़ रहा है क्योंकि कई जगह जैम की समस्या से भी लोग जूझ रहे हैं। नागौर के जो के अलावा जो डीडवाना और मौलासर इलाका है वहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से सड़कों पर आप देख पा रहे होंगे पानी भर गया है, जल भराव हो गया है जिसकी वजह से ट्रैफिक रफ्तार धीमी नजर आ रही है। कई जगहों पर गाड़ियाँ जो हैं वो घंटों फंसी भी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के महोबा में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। महोबा में अस्पताल में बारिश का पानी भरने से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पानी भरने के बाद अस्पताल के अंदर नजारा ऐसा दिखा मानो वहां कोई तालाब हो। जिस वार्ड में मरीजों को भर्ती किया गया था वहां भी पूरा फर्श पानी में डूबा दिखा, जबकि मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर भी पानी भरने की वजह से परेशान नजर आए। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से वहां मरीजों को एम्बुलेंस और स्ट्रेचर तक की सुविधा नहीं मिल पाई। तो उत्तर प्रदेश के महोबा की तस्वीरें जहां पर अस्पताल में पानी भर गया जिसके कारण स्ट्रेचर और एम्बुलेंस जैसी सुविधा जो एक मरीज को जरूरी होती है वो सुविधा भी उन्हें मुहैया नहीं करवाया जा पा रहा था, जिसके कारण दिक्कतें चाहे वो डॉक्टर हों वो भी महसूस कर रहे थे और वहां जो पहुंच रहे थे मरीज और उनके रिश्तेदार उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तेज बारिश के बाद कई इलाकों में आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के महोबा की तस्वीरें जहां पानी भर गया। महोबा में अस्पताल में बारिश का पानी भरने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पानी भरने के बाद अस्पताल के अंदर आप देख पाएंगे नजारा ऐसा दिखा मानो वहां कोई तालाब हो। जिस वार्ड में मरीजों को भर्ती किया गया था वहां भी फर्श पर पूरा का पूरा पानी आप देख पा रहे थे। वहां पे फर्श जो है वो पूरा पानी में डूबा नजर आ रहा था, जबकि मरीजों का इलाज कर रहे जो डॉक्टर है वो भी काफी परेशान नजर आए। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में पहाड़ खिसकने से हाईवे बंद करना पड़ा। नेशनल हाईवे नंबर 3 पर इस घटना के बाद प्रशासन के रास्ते को साफ किया गया और वाहनों की आवाजाही शुरू की गई। तो प्रशासन ने काफी दिक्कतों के बाद रास्ते को साफ किया और जो वाहन है उनकी आवाजाही वहां पर शुरू हो पाई। हालांकि पहाड़ खिसकने से हाईवे को वक्त रहते ही बंद कर दिया गया। ऐसे वक्त जब बारिश होती है तो पहाड़ों पर हम ऐसी स्थिति देखते हैं जब पहाड़ खिसकते हैं जिसके कारण कई जगह हादसे भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले ही हाईवे को बंद कर दिया गया। स्थिति को देखते हुए नेशनल हाईवे नंबर 3 पर इस घटना के बाद प्रशासन ने रास्ते को साफ किया और वाहनों की आवाजाही शुरू करवाई। वही उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश की वजह से नाले उफान पर आ गए जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई। रामनगर से हल्द्वानी जाने वाले रास्ते पर एक बाइक सवार पानी के तेज बहाव के बीच में फंस गया। कुछ लोगों ने रस्सी के सहारे बाइक सवार को बचा लिया। इस दौरान सड़क पर पानी ऐसे बह रहा था मानो वहां कोई नदी बह रही हो। इस बीच सड़क के दोनों किनारों पर लोगों की भारी भीड़ जुटी दिखी जो पानी कम होने का इंतजार करते दिखे। हालांकि कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पानी इस तेज बहाव को पार करते हुए भी नजर आए और इसी दरमियान आप देख पाएंगे एक मोटरसाइकिल सवार वहां पर फंस गया। बाद में उसे रस्सी की सहायता से बाहर निकाला गया। पानी के बहाव के चलते किस तरीके की दिक्कतें लोगों के लिए बड़ी हैं, तो वहां कई जगह बाइक फंस गई। लोग दोनों ही किनारों पर दोनों ही छोर पर रुके हुए हैं और वो बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो बहाव है जो पानी है पहले ये निकल जाए उसके बाद वो जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच कुछ वाहन ऐसे कुछ लोग ऐसे जो इन पानी को पार करते हुए जान जोखिम में डालते हुए भी नजर आए। इस बीच उत्तराखंड में भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही नजर आई। उत्तराखंड की तस्वीरें जिस तरीके की हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड के नैनीताल में बारिश के कारण लोगों को काफी दिक्कतें हुई। तेज बारिश से कई जगह हल्का पानी भर गया, हालांकि वहां मौजूद सैलानी बारिश का मजा लेते दिखाई दिए।
उत्तराखंड के नैनीताल में झमाझम बारिश हुई। तेज बारिश से कई जगह हल्का पानी भी भर गया। वहां मौजूद सैलानी जो है वो बारिश का हालांकि मजा लेते नजर आए। उत्तराखंड के नैनीताल में भी बारिश देखने को मिली, हालांकि कई जगह पानी हल्का ही भरा, जिसके कारण लोग जो है वो आनंद लेते नजर आए। भारत और बांग्लादेश के कोस्ट गार्ड ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत बंगाल की खाड़ी में फंसे भारतीय मछुआरों के एक दल को डूबने से बचाने की कोशिश की। मदद के लिए पहुंचे जहाज को एक तरफ से एक रस्सी मछुआरे की तरफ फेंकी गई, लेकिन मछुआरे रस्सी की मदद से निकल पाने में कामयाब हो पाते। उससे पहले ही पानी में उनका जहाज पलट गया, जिसके बाद जहाज में मौजूद मछुआरे अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद गए। बताया गया कि इस ऑपरेशन में करीब 34 मछुआरों को डूबने से बचाया गया, जबकि 27 मछुआरों का पता अभी तक नहीं चल पाया। तो भारत और बांग्लादेश के कोस्ट गार्ड ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत बंगाल की खाड़ी में फंसे भारतीय मछुआरों के एक दल को डूबने से बचाया। मदद के लिए पहुंचे जो जहाज की तरफ से एक रस्सी मछुआरों की तरफ फेंकी गई, लेकिन मछुआरे रस्सी की मदद से निकल पाते। उससे पहले ही जो उनका जहाज था वो तस्वीरों में आप देख पाएंगे पलट गया, जिसके बाद जहाज में जो मौजूद मछुआरे थे वो अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद गए। बिहार के छपरा में एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे नाराज लोगों ने सड़क जाम कर बवाल किया। घटना तब हुई जब लड़का अपनी भाभी के साथ कहीं जा रहा था, तभी बदमाशों ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लड़के की हत्या के बाद नाराज लोगों ने शव को सड़क पर रखकर छपरा को मुजफ्फरपुर से जोड़ने वाली सड़क पर जाम लगा दिया। बिहार के छपरा में एक लड़की की गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी गई।